देखो मैं आपके सामने पहले मैंने आई सेक्शन को समझाया था, आज मैं फिर से हमारी दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ जड़ सेक्शन। आई सेक्शन में आपको समझाया था कि मैंने केंद्रक कैसे निकालते हैं, आज हम आपको समझाएंगे कि जड़ सेक्शन के अंदर केंद्रक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये मोस्टली सब जड़ सेक्शन को देख के ही ऐसा लगता है कि इसमें केंद्रक कैसे निकालेंगे, उसका मैं हिंदी में बिल्कुल आसानी से आपको इसका केंद्रक निकालना सिखाऊंगा। वही हमारी पहले वाली ट्रिक्स रहेंगी, डरना किसी को नहीं है, अभी देखो जाओ ना। सबसे पहले हम जड़ सेक्शन में तीन पार्ट्स कर लेते हैं, तीन डब्बे कर लेंगे, वही चाहे ऊपर से कर लो पहला डिब्बा या नीचे से कर लो, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसको फर्स्ट मान लिया हमने, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। देखो सबसे पहले आपको समझना है कि एक्स और वाई दो डायरेक्शन होते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको y डायरेक्शन। ऊपर की तरफ चलते हैं तो वो तो हमारा होता है y बार, y की दिशा में केंद्रक जिसको हम बोलते हैं y बार, और नीचे को चलते हैं वो होता है हमारा x की दिशा में केंद्रक, जो ये साइड में चलते हैं ना, इस साइड में या इस साइड में किसी भी साइड में चलेंगे तो वो होगा हमारा x की दिशा में केंद्रक x बार। इसमें साफ लिख रखा है x और y के सापेक्ष केंद्रक निकालो। तो सबसे पहले लेंगे हम एक दिशा में कोई भी, अगर ऊपर की तरफ चलेंगे तो नीचे से एक बेस लाइन लेंगे हम, जिस जो इससे ऊपर चलेंगे वो होगा वाई के सापेक्ष केंद्रक, और जब हम एक्स की तरफ चलेंगे तो हम इसको ना लेके इधर से एक बेस लाइन लेंगे इस साइड में जो हम एक्स के सापेक्ष केंद्रक निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं वाई के सापेक्ष केंद्रक। देखो ये बेस लाइन हो गई इसके लिए ना, तो वाई इस आंसर वाई के सापेक्ष केंद्रक, वाई के सापेक्ष केंद्रक वही y बार का फॉर्मूला जानते हो, a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 upon a1 plus a2 plus a3। सबसे पहले हमको क्या काम करना है, फर्स्ट डब्बे के लिए a1 यानी कि इस डब्बे का क्षेत्रफल a1 निकालो। पहले a1 बराबर वही लंबाई इनटू चौड़ाई, और लंबाई हमारी कितनी है 150 mm, 150 इंटू चौड़ाई कितनी है 20 mm, तो ये हो गया हमारी 3000 mm स्क्वायर है ना, mm से जो mm गुणा हुआ था उसका मात्रक क्या हो जाएगा mm स्क्वायर। फिर निकालेंगे a2, वही आपके लिए इस डब्बे के लिए, इस डब्बे की लेंथ कितनी है 320 लंबाई और 300 कितनी है चौड़ाई, चाहे तुम चाहे ले सकते हो क्षेत्रफल तो लंबाई होना चौड़ाई होता है, तो 3 × 6 = 6000 mm स्क्वायर। अब a3 तीसरे डब्बे का क्षेत्रफल, तीसरे डब्बा का कौन सा है ये। अब देखो जनरली अपनी गलती होती है, जो वो गलती कहां पर होती है, वो गलती यहां पर देखिए, इसने लंबाई दे रखी है 200 mm इस पूरे डब्बे के लिए यहां तक, जबकि अपन को तीसरा डब्बा कहां पर तोड़ा है यहां से, तो अपन को ये लाइन देनी है 200, ये कितनी है 20, इसमें 200 माइनस 20 बराबर 180 mm अपने तीसरे डब्बे की लंबाई है, तो 180 इंटू कितनी है चौड़ाई 20, तो ये कितना हो गया अपना 3600 mm स्क्वायर, 18 × 36 00, ठीक है, इसमें 3 × 6 00, तो ये हो गया हमारा तीनों पार्ट्स के लिए क्षेत्रफल। अब जनरली मैंने बताया तो y के सापेक्ष हम केंद्र ज्ञात करते हैं, तो हमें y के सापेक्ष लेना है y1, फॉर्मूले के अनुसार y1 y2 और y3। आप देखो जैसे मैंने पिछली बार पिछले वीडियो में बताया था आई सेक्शन के में y1 y2 और y3 कैसे निकालते हैं, हमें फर्स्ट डब्बे के केंद्र तक पहुंचना है, तो फर्स्ट हमारा ये क्या है, जब भी किसी का केंद्र निकालते हैं तो कोई भी चीज होती है उसके केंद्र तक पहुंचने के लिए हम उसके दो पार्टों में बांट देते हैं तो वो उसके केंद्र तक पहुंच जाती है। तो हमारे डब्बे की लंबाई कितनी है 20, इसको हमने बीच में से तोड़ा तो हमारा केंद्र क्या हो गया यहाँ पर, और 20/2 y1 20/2 अपना कितना हो गया 10 mm, y2 इसके केंद्र तक, तो हम इस डब्बे के केंद्र निकालने के लिए इसको बीच में से तोड़ेंगे और ये रास्ते में है, इसको तो इसकी लंबाई पूरी और इसके दो टुकड़े, ठीक है ना, जिसके हम केंद्र निकालने होते हैं उसकी तो लंबाई पूरी लेते हैं और जिसके केंद्र नहीं निकालना होता उसको हम रास्ते वाले को पूरा लेंगे, तो ये हमारी पूरी 20 प्लस इसकी लंबाई देखो कितनी है 300/2 300/2, तो ये कितना हो गया 150 प्लस 20 170 mm।
अब थर्ड y3 इस डब्बे के लिए, इस डब्बे के लिए केंद्रक निकालो, वही नीचे से देखो, नीचे से क्या करेंगे, नीचे से इसके सेंटर तक आप ले जाओ, इसका सेंटर कहां पे है, इस डब्बे को हटाओ यहां से, इस डब्बे को हटा दिया, ये पूरी इस डब्बे की लेंथ यहां पे कितनी हो गई, देखो इस डब्बे में आप 300 में से 20 घट जाएगा, ये हमारा हो गया कि टोटल लेंथ थी 300 और ये 300 ज्यादा थी, अब हमको यहां तक ले जाना है, तो ये कितनी हो गई 280, 280 और 20 कितना हो गया 300 और इसकी आधी, तो 220 रास्ते में क्या आ रहा है 20 प्लस 280 प्लस इसकी आधी, ठीक है ना, इसकी आधी कितनी होगी 20/2, तो ये हमारा कितना हो गया 280 और 20 300 310, समझ आया, ठीक है ना, जो रास्ते में आते हैं उसके काम पूरा लेते हैं, जो रास्ते में से आ रहा है ये डब्बे हमारा रास्ते में आ रहा है और इसका केंद्रक निकालना है किस डब्बे का, तो इसको तो दो टुकड़े कर देंगे और रास्ते वालों को पूरा ले लेंगे, जब हमने ये हमारी लेंथ पूरी कितनी थी इस डब्बे के लिए 300 बाद किया कितनी हुई 150, इसका केंद्रक 150 आ गया, 150 और ये बीच वाले ना, तो 170, ये क्लियर, y1 y2 y3, आप देखो y बार कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से a1 कितना है अपना 3000 इनटू y1 10 प्लस दूसरे का a2 कितना है 6000 इनटू y2 कितना है 170 प्लस a3 कितना है 3600 इनटू a3 कितना है y3 310, अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 3000 प्लस 6000 प्लस 3600, ठीक है, ये हमने ये सारी वैल्यूज इस y बार के फॉर्मूले में फिट कर दी, तो हमारा यहां से आएगा y बार कैलकुलेट करने के वो दिए वही 3 × 30 10 पावर 3, ठीक है ना, पावर में कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये देखो 30 को 1 से गुणा किया या फिर 1 को 3 से गुणा करा, 30 से गुणा किया तो हमने 30 आ गया है ना, और जितने जीरो बचती है उसको पावर में लगा दो, ऐसे ही इसमें करो 17 छक्के 6 7 भैया 4 6 5 4 10 102 कितना आ गया 102 और यहाँ पर 4 जीरो बची 1 जीरो और लगाकर इनटू 10^3, इसी तरह इसी में करो 31 × 36 1116 × 10^3 अपॉन ये बिना कैलकुलेटर करने के लिए हम इसको 10^3 में ले आते हैं कि यही पे हमारा बिना कैलकुलेटर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़े, अब इसको 10^3 में लिख सकते हैं हम बना रहा आसानी से, कितना हो गया ये देखो 3 × 9 = 12 12600, अगर इसको 10^3 में लिखना हो तो 12 × 6 × 10^3, इसको 10^2 में रख देते हैं ना, चाहे तो 10^3 में लो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा गुणा करने के लिए 10^2 में ले लो, इसको 10^2 कर दो, सब पर एक जीरो उड़ा दो, है ना, 10^2 एक जीरो हो गया 300, ये कितना हो गया 10200 11600, तो ये कैलकुलेट करो y बार बराबर कितना हो गया y बार इज इक्वल टू 300 प्लस 300 प्लस कितना है 10 200 ट्रिपल वन 60 जीरो 6 × 5 = 21660 है ना 21660 अपॉन 726, यहां से 10^2 से ये सारे 10^2 कट जाएंगे और ऊपर ऊपर वालों को जोड़ देंगे, अब इसको भी टुकड़े कर दो, तो 1 × 2 = 2 × 8 = 16 2 × 3 = 0 2 × 6 = 2 12 2 × 6 = 6, अब देखो ये भाग करो जना 10830/363,
एलसीएम, देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, करो ये देखो कितना आया, 171.90 एमएम, ठीक है। ये आ गया अपना वाई बार, कहां से आया, ये अपन ने ये कैलकुलेशन की सारी की सारी, तब जाके आ गया कैलकुलेशन करना 171.90। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारी टोटल लेंथ होती है वाई की साइड में 300 + 20 का आधा कर लो, कितना आया 160 के आसपास, 10 कम या 10 ऊपर के ही समथिंग आएगी, तो ये आया अपना 171.90, यानी कि अपना वाई बार सही है। आप क्या कैलकुलेट करेंगे, x की दिशा में y बार लिख लेंगे, आपका कितना आया 171.90, इसको साइड में लेना y बार 171.90, बाकी कैलकुलेशन मिटा दो। एक डिब्बे रखना है जो पहले रखे थे, अब रखेंगे अपन x के सापेक्ष केंद्र, ठीक है। x के सापेक्ष केंद्र ज्ञात करेंगे, उसमें हमारा फॉर्मूला रहेगा इस बार का वही a1 x1 + a2 x2 + a3 x3 / a1 + a2 + a3, वही अपने a1 a2 a3 तो वही रहेंगे सेम, a1 a2 a3 जो थे 200 × 20 चाहे तो ये a1 नीचे से लेना फर्स्ट बिट देगा 150 × 20, दूसरा कौन सा डिब्बा था 300 × 20, ये हटा देना ये उस टाइम उसके लिए दी थी 300 × 20, एंड a3 कितना है 180 × 20, ये कितना 3000, 6000 और 3600, ये अपने a1 a2 आप निकालेंगे, x1 x2 x3, x1 कहां से निकलेगा फर्स्ट डब्बे के, मैंने क्या कहा था जिसके सापेक्ष से निकालते हैं उसको ले लेता हूं बेस, अब इसका क्या ले लेंगे इधर से एक लाइन ले लेंगे, ये अपना x के सापेक्ष बेस है, y के सापेक्ष ऊपर चलेंगे, x के सापेक्ष इधर चलेंगे, फर्स्ट डब्बे के केंद्र तक पहुंचना है, देखो इस बेस की लाइन से इस डब्बे के केंद्र तक पहुंचना है, तो इसका सेंटर आपके किस दिशा में होगा, इस दिशा में से दो टुकड़े करेंगे सेंटर से, अब लंबाई की दिशा में करेंगे पहले ऊंचाई की दिशा में, क्योंकि अपन ऊपर चल रहे थे अब नीचे चलेंगे साइड में, तो अब इसके ऐसे टुकड़े किए 150/2, ये हो गया 150/2 आ जाता, ये हो गया 75, ये स्पेस रास्ते में आ रहा है तो ये हम पूरा लेंगे, स्पेस कितना है, ये स्पेस हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, ये था 180 + 75 होता और ये 75 कितने हो गए 552 255 mm, फिर x2 लेंगे, x2 इस डब्बे के केंद्र तक, इस डब्बे का आधा कर दो, इस डब्बे का आधा क्या जाएगा यहां पर, देखो x2 लेंगे, x2 का वही सिंपल थ्योरी, इस डब्बे के सेंटर तक जाना है, ये रास्ते में पूरी दूरी और इस डब्बे का आधा, इस डब्बे का आधा लंबाई आधी करेंगे ओनली, 20 का आधा 20/2 प्लस ये पूरी दूरी 180 प्लस 20/2 180 बराबर ये कितना हो गया 190 mm। अब लेंगे h3, जिस डब्बे का लेता है उसका आधा कर दो, ये बेस की लाइन में पूरा चिपका हुआ है, ओनली इसकी लेंथ का आधा कर दो, ये पूरी लेंथ यहां तक थी लेकिन अपना डब्बा कितना है 180 mm, तो इसका आधा करना है मुझे, 180 का आधा कितना हो जाएगा 90 mm, ठीक है। ये हमारे यहां से आ गया x1 x2 x3, अब निकालना है हम x बार के लिए पूरी कैलकुलेशन करो, a1 दो, a1 x1 पहले a1 कितना था 3000 × x1 कितना आया अपना 255 प्लस a2 कितना है 6000 × x2 कितना आया 190 प्लस a3
3600 इनटू एस थ्री 90 बटे पूरा पूरा ए वन ए टू ए थ्री का योग जो हमारा हुआ था, चाहे तो अभी ले लो दोबारा से 3000 6000 प्लस 360 है ना। तो ये देखो सेवन सिक्सटी फाइव प्लस 140 इंटू 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 10 की पावर 3। छोटा करने के लिए हम 10 की पावर 3 में लेके चलते हैं, और कोई रीजन है नहीं इसका बिना केल से करने के लिए। ये 324 इंटू 10 की पावर 3, इसको भी हम 10 की पावर 3 में चेंज कर देंगे, ये अपना टोटल आएगा 12600। तो इसको 12.6 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ 10 की पावर 3 से सब 10 की पावर 3 कट जाएगी, और अपना x बार आएगा, x बार इसको टोटल करेंगे सबको दिया जाएगा 2229 बटे 12.6। यहाँ से हमारा x बार आ जाएगा, इसको जब भाग देंगे तो 176.90 mm। ये हमारा x बार कैलकुलेट कर दिया 176.90 mm। पाई बार आया था 171.90, हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। देखो इसका सीधा तरीका है कि y x बार और x y बार कैलकुलेट करने का, कि ये हमारे सही हैं या गलत, ये हम चेक कर सकते हैं। 176.90 x बार आया था, अब ये टोटल दूरी ले लो x और c प्लस 150, x बार के लिए 180 प्लस 150 कितना है, कितना हो गया 320 ना बटे 2 2 1 2 2 6 12 और 2 5 10, मैंने पहले बोला था कि सारी लंबाई को आधा कर लिया करो, उसके आसपास आए तो हमारा सही है। 165 के आसपास है, ज्यादा अंतर नहीं है, 11 का अंतर है, इतना इसमें y बार अंतर है, तो हमारा दोनों x बार और y बार सही है। y बार सही करने का तरीका, ऊपर वाली पूरी लाइन को दूर आगे कर दो तो वो उसके आसपास आएगा, तो वो भी सही है ना। अब इसका हम चित्र बनाएंगे केंद्रक का, देखो किस तरह से आएगा, x बार और y बार दर्शाएंगे, नीचे से तो y बार दर्शाएंगे, x बार कितना, y बार कितना आया था 170, इस तरह से बेस लाइन खींच दो, जाए इस तरह से खींच दो, यहां से दर्शाएंगे 171 आधे से थोड़ा सा ऊपर, ये हो गया हमारा y बार 171.90 mm। x बार जैसे दर्शाएंगे, x बार कितना आया था 176, इस पॉइंट पे ये जाकर मिल जाएंगे 176.90 mm। ये हमारा x बार, ये हमारा राउंड फिगर हो गया इन चारों पार्ट के, यहाँ पर हमारा ये हमारा इस z सेक्शन का केंद्र है, that's our answer। अगर भाइयों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मेरे इस वीडियो को सब पॉलिटेक्निक भाइयों के पास शेयर करें, जिससे उनको भी जेड सेक्शन का एक्स बार और वाई बार कैलकुलेट करने में आसानी हो, केंद्रक निकालने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में उस वीडियो के बारे में बताएं, कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिखें, तो मैं आगे आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो उसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए उसको अच्छे से आपके पास उस टॉपिक को समझा दूं, इसलिए उसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा। तो जरूर से जरूर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस प्रॉब्लम को अपने अंदर सुधारूंगा, आगे से आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए उसको मेरे को जरूर बताएं। धन्यवाद।